नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से अ व्हील हैज अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सलेशन अल्फा ऑफ तो अपने को अल्फा दिया हुआ है थ्री रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ड्यूरिंग अ सर्टेन या फुल स्टॉप होना चाहिए ड्यूरिंग अ सर्टेन फोर सेकंड इंटरवल इट टर्न्स ट्रू एन एंगल ऑफ वन ट्वेंटी रेडियन अज्यूमिंग दैट एट टी इज इक्वल टू जीरो एंगुलर स्पीड आपकी ओमेगा नॉट थ्री रेडियन हाउ लॉन्ग इज मोशन एट द स्टार्ट ऑफ दिस फोर्थ सेकंड इंटरवल टेवल और अंग्रेजी थोड़ी सी गड़बड़ है पर मेरा ख़्याल है सवाल ये पूछा जा रहा है इसको अगर हम लीनियर में कन्वर्ट करें सो so एक पार्टिकल आपका t इज इक्ल टू ज़ीरो पर लेट से u इक्ल टू ज़ीरो यहाँ से चालू हुआ है और किसी एक सर्टेन टाइम पे उसने चार सेकेंड में थीटा जो कवर किया है या आपका डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो तो है 120 रेडियन और ये हमें अब ये बताना है और कुछ दिया हुआ है और अल्फा जो है या जो आपका एक्सलेशन है एंगुलर एक्सलेशन अल्फा उसकी वैल्यू थ्री दी हुई है राइट हमें बताना है ये जब टाइम चालू हुआ जब ये फोर सेकेंड का ड्यूरेशन वाली कहानी चालू हुई तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम बीता था टी इजल टू जीरो से लेके यहाँ तक कितना टाइम था ठीक है सो so, ये आपका सवाल है ठीक है अ, अंग्रेजी में थोड़ी है बट दैट्स ऑल राइट सो so, इसको ऐसे देखना से फॉर एग्जांपल अपने को ये दिया हुआ है चार सेकेंड में उसने 120 ट्वेंटी कवर किया है और विद इन एक्सलेशन एंगुलर एक्सलेशन ऑफ थ्री इसको अगर हम यहाँ पे अपनी अगर सेकंड इक्वेशन लगा दें तो सेकंड इक्वेशन हमारी कहती है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट यहाँ पे इसको एक काम करते हैं ओमेगा वन कह लेते हैं ये ओमेगा नॉट क्योंकि इन्होंने इसको कहा हुआ है ओमेगा नॉट अच्छा ये इसकी वैल्यू जीरो नहीं यहाँ पे थ्री दी हुई है है ना तो ओमेगा नॉट थ्री हो गया सो ओमेगा वन मल्टीप्लाई अच्छा इसको पहले वैल्यू टी लिख लेते हैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर ये आपकी सेकेंडिंग इक्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं थीटा की जो वैल्यू है वो अपने को दी हुई है वन ट्वेंटी इज इक्वल टू ओमेगा वन हमें नहीं पता है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है मल्टीप्लायड बाय टाइम टेकन आपका फोर प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय अल्फा उसकी वैल्यू थ्री मल्टीप्लायड बाय फोर का स्क्वायर राइट सो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये बन गई वन ट्वेंटी इज इक्वल टू फोर ओमेगा वन प्लस ये बनेगा आपका सिक्सटीन सिक्सटीन का हाफ करेंगे एट एट थ्री जो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर विच एम्प्लाइज आपका फोर ओमेगा वन इज इक्वल टू वन ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फोर यानी कि बनेगा नाइन्टी सिक्स विच एम्प्लाइज ओमेगा वन जो है वो इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा ट्वेंटी फोर रेडियन पर सेकेंड राइट सो टी इज इक्वल टू जीरो से जब हमने कहानी चालू की ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट की वैल्यू थ्री है ओमेगा वन आपका ट्वेंटी फोर होएगा हमें इस टाइम की ड्यूरेशन बतानी है तो इस सेकेंड केस में जब हम अपनी इक्वेशन लगाएंगे सेकेंड केस में जब हम इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से आपका ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा वन क्या लेते हैं विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी राइट ओमेगा हमें पता है ट्वेंटी फोर आएगा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट थ्री प्लस एल्फा जो है इसकी वैल्यू हमारी थ्री है मल्टीप्लाइड बाई टी इसकी वैल्यू हमें बतानी है इसको अगर लेके आए तो दिस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन विल बी इक्वल टू थ्री टी विच एम्प्लाइज आपका टी जो है दैट विल बी इक्वल टू सेवन सेकेंड्स यानी ये मोशन बिफोर दिस फोर सेकेंड हैपन यह आपका सात सेकंड पहले मोशन चला होगा हैंस आपका ऑप्शन नंबर वन सेवन सेकंड वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया